सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं डियर। तो फाइनली सभी रियलमी डिवाइसेस में आ गया है मार्च 2019 का अपडेट। और आज इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूं कौन से डिवाइस में क्या क्या अपडेट आया है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रियलमी 3 सबसे लेटेस्ट जो लॉन्च है, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार का है। और यहाँ पर अगर देखा जाए जो अपडेट लॉग है, यहाँ पर फिक्स्ड टच स्क्रीन नॉट रिस्पॉन्डिंग इशू इन सम केसेस। तो ये जो प्रॉब्लम था, ये अभी अपडेट आपका हो गया है। और अपडेट का जो साइज है वो है आपका 1.93 MB। अगर आपके पास OTA अपडेट नहीं आया तब आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे है आपका लिंक और उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका U1 का अपडेट, कुछ दिन पहले ही आ गया था, मैंने बता दिया था, फिर भी और एक बार बता दे रहा हूँ। जहाँ पर आपको सपोर्ट द फंक्शन फॉर अनब्लॉकिंग बूट लोडर, उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच आ गया है मार्च 2019 का। तो ये आप अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का जो साइज है 1.89 GB का। नेक्स्ट है आपका रियलमी C1, यहाँ पर भी आपका अपडेट आ गया है। अपडेट लॉग अगर देखा जाए, एडिट एक्सपर्ट मोड और उसके साथ साथ सिक्योरिटी पैच मार्च 2019, तो ये भी आपका आ गया है। इसका साइज किया गया है 2 GB के आसपास। नेक्स्ट है आपका रियलमी 2 Pro और इसका भी अपडेट आ गया है। और यहाँ पर आपको एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिल गया है मार्च 2019 का। इसका साइज है 2.25 GB का। उसके बाद है रियलमी 2, इसके अंदर आपको मिलता है एडेड एक्सपर्ट मोड, उसके साथ साथ फिंगरप्रिंट शूटिंग और सिक्योरिटी पैच मार्च 2019 का आपको मिल जाएगा। बहुत सारे अपडेट्स है फॉर रियलमी 2 और यहाँ पर इसका साइज है 2 GB के आसपास। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर आपको रियलमी 1 में कोई भी अपडेट नहीं मिल रहा है फॉर द टाइमिंग। ये सब अपडेट काफ़ी दिन पहले ऑलरेडी आ गया था। सो अभी मार्च का कोई भी अपडेट रियलमी 1 के लिए फॉर द टाइमिंग अवेलेबल नहीं है। ये सभी अपडेट का जो डाउनलोड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आप डाउनलोड करके अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी अधिक जानकारी लेना है, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर एज मच एज आई कैन। सो इस वीडियो में अभी तक ले इतना ही। दिस इज योर होस्ट साइनिंग ऑफ फ्रॉम लेडा, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।